अरे किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार धर्मू भाई? किसकी बनेगी? किसकी बनेगी आए तो पूछा। हाँ धर्मू भाई। अरे भाई किसकी बनेगी सरकार? अरे इसी बात पे होगी हमारी तकरार। करमू धर्मू के बीच में होगी तकरार। अरे भाई हमने जो है पूरा बरोटा इकट्ठा कर लिया है। संसार क्रांति की जो मेन टीम है उसने भाई पूरे आंकड़े जुटाए हैं। अरे धर्मू भाई एक बात बताऊं? हाँ। या तकरार सारा हरियाणा के बीचों बीच चल रही इस टाइम इलेक्शन में उबड़ता है ताता है। अरे ताता तो तुमने बड़ा खुलासा निकल दे रहा। कर लो कर लो कागज को निकाले कर रखे। गर्मा गर्म इलेक्शन है, बिल्कुल उबड़ता इलेक्शन है भाई। एक अपील है, भाईचारा पहले राजनीति बाद में इलेक्शन लड़ो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचा है। बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो है जरूरी है धर्मू भाई, मजबूरी भी है, जरूरी है, देश की मजबूरी मजबूरी है। तो भाई संसार क्रांति की मेहनती टीम ने पूरे आंकड़े और काकड़े इकट्ठे करे हैं, सारे कागज काले कर दिए। देखा तो दो नंबर के चश्मे भी चढ़ गए आंकड़े इकट्ठे कर करके। 90 की 90 विधानसभा में तो भाई हमने आंकड़े काट दिए हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में तुम भी लिख दियो अगली तारीख विधानसभा में किसकी जीत होगी। हम बतावांगे, इब्बे बतावांगे, इब्बे बता देंगे। नहीं रुको रुको ना, बताने दे भाई। धर्मू भाई रुको, मेहरबानी है, सब्र करो, सब्र करो भाई, बताने दे। धर्मू भाई मेरे तनु भले भले रे करमू मड़ा कम कड़वा होले। कड़वा के तू तो जमा कर लिया गया, तुम्हें टोकरा खा के चल रहा है, थोड़ा कड़वा पन थोड़ा अपना। अच्छा मैं आज दर्शक ने बता दू धर्मू भाई, मारे जो कड़वे सवाल होने भाई उसके पीछे इंटेंशन गलत नहीं होती, इरादा गलत नहीं होता, इरादा गलत भी नहीं होता और तरीका भी गलत कौन, लेकिन समझना। देखो नेताओं को एक आधा भड़क बैठ जाए धर्मू भाई, और वहां भी तो लोगों ने भड़क बिठा, आप एक आधी नेताओं का भड़क बिठा था, भड़क में सारा संसार, बोले केडी का गाना है बोले भड़क में ना जीवे मेरे यार। तो बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा था, करमू भाई मैंने खुलासा करने को दे रहा, लेकिन मैं तोड़ा कर दूं ना भाई ना रुक मैं भाई। बात यह है पूरी टीम ने मेहनत करके आंकड़े जुटाए हैं और भाई न्यू कैट है बेत, अभी जिसने भी बहुमत मिलेगा उससे की सरकार बनेगी। आपकी बारी है, वो बहुमत किसने मिलेगा हरियाणा की जनता का मूड के है, मूड के है। धर्मू भाई रिमोट दे रहा है मेरे पास में। ओ भाई रिमोट पर तो घने बड़े बड़े मामले, रिमोट वाली सरकार, रिमोट वाली सरकार, रिमोट वाले मुख्यमंत्री भी है, कदे डबल इंजन की सरकार, कदे रिमोट की सरकार, और कदे तो रिमोट हिसाब जिसमें सैले को नहीं पाते, इसमें तो डाउन हो रही हो। तो कहने का मतलब ये है भाई, आप बताओ, आप देखो 2 करोड़ मतदाता हरियाणा के, धर्मू भाई बिल्कुल आपके मूड में, दिल में, दिमाग में, मन में क्या है? अरे एक बात हो रहा है, किसकी तो बत्ती होगी गुल और किसको मिलेगी मेजोरिटी फुल, कौन होगा बल्ले बल्ले, किसकी होगी थल्ले थल्ले, कौन होगा टुल टुल। तो भाई इस बार का जो इलेक्शन है, चुनावी जो महासंग्राम है, चुनाव आयोग ने एकदम से झटका भी दे रखा है एक तरह से करमू भाई, बिल्कुल, क्योंकि उनका आग्रह अकड़ बकड़ बॉम्बे पूरे सो एकदम से तारीख की घोषणा कर दी, क्योंकि सीधे कोथड़िया का जो दौर चल रहा था तो उसमें कईया का तो मोवा का गोर बांडा भी को नहीं आया। वैसे कांग्रेस खेमा की बात करा ना धर्मू भाई, तो जैसे ही एकदम इलेक्शन की घोषणा कर दी ना 1 अक्टूबर की, 4 अक्टूबर ने वो है नतीजे हैं, नतीजे तो कांग्रेस को झटका तो लगा है क्योंकि कम टाइम मिला है, लेकिन बीजेपी भी इस चक्कर में नहीं रहा है, अगर जल्दी डेट दे दी तो बीजेपी ना फायदा हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जो धरने बैठे थे धर्मू भाई वहाँ, चाहे वो वोकेशनल टीचर हो, वन मित्र हो, या तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, मतलब कहीं नर्सिंग के हैं, अच्छा कई जगह, यानी कि कई कर्मचारी जो है जो जिन न्यू उम्मीद थी, वह बात क्यों नहीं बता दिया जो मेरे कान में बताया धर्मू भाई कह रहे थे बोले इन तो कुठली थी है बीजेपी ने, अभी तो हमें इलेक्शन में हमारा साथ दे दो, तो लग गया आचार संहिता, आचार तो खाना नहीं, उल्लंघन करना नहीं, तो हमने जीता है जो बिल्कुल, और तो हमने तारी डिमांड पूरी कर देंगे ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा करमू भाई कई हरियाणा की, वैसे तो लगभग पूरा हरियाणा का इस बार का विधानसभा इलेक्शन पूरी तरह से ओट मुद्दा है, हाँ, लेकिन उचाणे की बात करा जी भाई, जींद की बात करा, रोहतक की बात करा, किलोई की बात करा, तो काफी सारे कुछ हल्के तो इसे है जो मनु उबड़न लग रहे हैं, कुकर उबाला मारा ताता, कुकर सीटी मारा कर रहे, बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं भाई, जमा सूत्रे सूत्रे कमेंट इस प्रोग्राम में जब करोगे धर्मू भाई, कुछ कमेंट ले लें आप, हाँ हाँ बिल्कुल कमेंट भी ले। और भाई संसार क्रांति के कुछ खास प्रोग्राम जो है वो आने वाला टाइम में हमने देखने में मिलेंगे, आप खुलासा कर दो एक कार्यक्रम का, खुलासा कर दो एक का कर दिया जिसका नाम क्या है, डबल अटैक, धर्मू कर्मों का खास प्रोग्राम डबल अटैक, जिसमें कि हमने भाई हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं, जो हरियाणा के ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच में हाथ जोड़ते फिरे हैं, बिल्कुल भाई वो बाद में कि मैं काम करें भी एक नहीं करेंगे,
उनकी तलाशी लेवांगे। देखो कमेंट कितना प्यारा आया है, जैसे डालते इलेक्शन लेकर जा दो कि भाईचारा जिंदाबाद। एक तो लाठर मोहित को राम राम भाई ले ली, राम राम, राम भाई, जय श्री राम, तेरी दो भाई, ओ जय श्री राम लिखना नहीं राम राम भाई। सुनो राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, राम में और आराम राम में काम कर मंत्र है, राम की बात करके काम राम राम कर। अरे भाई तने कौन करा, सुन मेरी बात, एक तो एक रहा राम राम, अरे को एक रहा जय राम जी की, अरे को एक रहा जय श्री राम, जय श्री राम, अरे को एक रहा जय जय श्री राम, अरे को एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। भाई देखो राम पे और सनातन पे किसी का कॉपीराइट ना, रंग पे, रंग पे भी हाँ। और भाई देखो सुरेंद्र शर्मा कह रहे हैं आपसी भाईचारा जरूरी है, जरूरी है, लिखने में भी अच्छा लग गए, बोलने में भी अच्छा लगा, निभाने में जब इलेक्शन आओगे नहीं भाईचारा खिंडा खिंडा फिरेगा। तो एक बात और गहरी बात मैं दर्शकों के लेकर मुंह भाई करना चाहूंगा जी भाई, के देखो राजनीति में तुम ध्यान करो, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करा या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार की बात करा या और भी कई सारे दिग्गज हैं जो न्यून तून चले जावे हैं, यानी कि जिसके जुकर सूत आवे है तो कोई कदे खुद की पार्टी बना ली है, तो कदे वो पार्टी में विलय कर लिया है, तो कदे कांग्रेस में चले जावा, तो कदे बीजेपी में चले जावा। तो भाई एक दूसरे की छत पे किसी पार्टी का झंडा देख के जलोना और बुनोना। धर्मू भाई एक डायलॉग नहीं बोला, जोर का झटका धीरे से लगे, जोर का लाइक किया, एक कमेंट आया सुभाष देसवाल भाई का, ये क्या है, उन्होंने ओल्ड पेंशन पर भी बात करो। अरे भाई मां सरकार को नहीं भाई, पेंशन को नहीं ओल्ड पेंशन को टेंशन बना दिया पेंशन। और ये बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा, बिल्कुल। मतलब यदि हम लोकसभा में भी जावा तो ये मुद्दा था, कर्मचारियों की नाराजगी थी जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और उसकी वजह से कांग्रेस बल्ले बल्ले। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है इसके ऊपर बयान जारी किया था, अब भी ओल्ड पेंशन बहाली हम करेंगे, लेकिन वो कहावत नहीं है हाँ। धराड़े का छिड़ियो ना घर बार तेरा, तो भाई ये सुखी बातें रह जाए कई बारी। और ये हर सरकार के लिए हर पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि आगे आगे धर्म भाई टेम बदल गया, जो पार्टी जो कहेगी वो करना पड़ेगा, नहीं करे तो पलट दे, गो बैक। तो ये तो करमू भाई वो काम हो गया, बोलिया भाई पंचायत का फैसला सिरमत है हाँ। पतनाला उड़े चल लगा। एक भाई ने कमेंट तो लिखना था नू, अनुरुद्ध भाई ने बोला जय जवान जय किसान, नू बोले नू लिख गया गलती, जय के जापान और के किसान, ना यू हरियाणा में भी लिखेंगे जय परेशान हाँ, जय जय जवान जय किसान लिखा था। चलो भावना समझ गए, भावनाओं को समझना चाहिए, बिल्कुल भाई जय जवान। और एक लाठर मोहित फिर दोबारा कमेंट ठोक कर उनको भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा इसके दिखर रख रख में हाँ घुस रहा है बिल्कुल। अरे भाई भाई भाईचारा तो ठीक है, लेकिन भाई ने बेचारा ना बनाया। एक मिनट सुनो धर्मू भाई, दया कृष्ण शास्त्री पे दया करो, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम या ओल्ड शास्त्री जी पेंशन बन गई है, बिल्कुल शास्त्री जी हम समझ सका, या पेंशन को नहीं टेंशन बन गई है ये मुद्दा है। अरे भाई सुनो आप रुक क्यों रहे, कमेंट करो ना बिल्कुल, बताओ आपने के लगा हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, किस किस में होगी तकरार, और अपनी तो होगी तकरार बंद बंद है। तो भाई फिलहाल एक बात हो रहा है, न्यू भी जरूर कमेंट में लिखो अग भाई तमने के लागत सरकार ने कौन सा काम तो करया है जी जी, और कौन सा काम नहीं करया। धर्मू भाई चाला पाटगा, चाला पाटगा, चाला पाटगा, अनिरुद्ध खिचड़ का है भाई, नो कहे खिचड़ भाई कह रहा है, खिचड़ साहब है भाई कनाडा से लाइव देख रहे हैं। अच्छा वाह भाई वाह, लव यू भाई, लव यू है भाई, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से वीडियो को शेयर सवा शेयर गब्बर शेयर बब्बर शेयर। धर्मू भाई जाओ ना, नीरज भाई कहे हैं नुका भाई कांग्रेस पार्टी आवेगी। अच्छा नीरज भाई ने बड़ा बड़ा दाव फेंक दिया भाई, और अमित कण से जो तो रूपा में गणा कशा हुआ है। अच्छा गुरु जी आदेश 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 जप नाम, रणदीप सुरजेवाला का भविष्य बता दो भाई, भविष्य तो मतदाता बतावेंगे बाबा जाने मन की बात भाई। ऐसा सुन देखो भविष्य तो देखो ये हो गया, इलेक्शन के टाइम पे तो जनता के बीच में हाथ जोड़ के पहुंचेंगे नेता, और इलेक्शन होने पाछे जनता हाथ जोड़ के पहुंचेगी नेताओं के पास, मारी सुन लो जी सुन लो जी। एक चीज है धर्मू भाई, इस चीज को कहने में जमा भी संकोच नहीं करना चाहिए अपने, अपर हैंड पे फिलहाल कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट ये है, एंटी इनकंबेंसी मिलेगी बीजेपी को, प्लस जो मंत्री और नेता थे उनकी अलग ही एक्शन मोड दिखाया, नायब सैनी आए लास्ट टाइम पे एक्शन मोड दिखाया, लेकिन वो थोड़ा टाइम कम टाइम था, कम टाइम था, लेकिन उस एक्शन मोड को कितना बुना पाओगी बीजेपी या देखने वाली बात है। अमित गणगस ने कमेंट कराया भाई रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला शायद राज्यसभा छोड़ के चुनाव लड़ लेगा कैथर दे और कैड भी सके। देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये हम इस बात का दावा नहीं करते क्योंकि वो उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतदाताओं के मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जनता का रुख कह रहा होगा क्योंकि
फिलहाल का जो इलेक्शन है इस बार का हरियाणा प्रदेश का इलेक्शन, देखो हालांकि और भी पार्टियां हैं, मैं लोकल यानी कि जो क्षेत्रीय दलों की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो INLD की बात कराऊं या फिर JJP जो कि नई नई पार्टी उभर आई थी जिसका रुख का रोला नहीं समझ लिया कि एक बार तो लोगों के दिल में दिमाग में छाई गई थी पार्टी, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही गठबंधन होया तो उसके बाद जनता से जनता कहीं ना कहीं नाराज। लेकिन धर्मूभाई राजनीति अनिश्चितताओं का खेल, बिल्कुल। कभी भी कुछ भी क्रिकेट का मैच की डाल कुछ भी हो उसके, कोई हिट विकेट हो जाए, कोई यॉर्कर पे लूटा दे किसी की, कोई बाउंसर पे, और कौन माना वीरेंद्र सहवाग की डाल स्क्वायर कट में छक्का चढ़ जाए, केबरा आखिरी बॉल पर पवेलियन पार जाओ बोल। कई बार एक भाई ने देखो कितनी प्यारी बात करी, मोनू भाई ने, मोनू भाई कह रहा धर्मू भाई भाई मैनिफेस्टो में तो लिखे है बढ़िया बढ़िया बात, और धरातल पे नहीं घंटा भी करते हैं, बिल्कुल। ये भाई हम जो अभी जो यू जो खास प्रोग्राम तुम देखने लग रहे हो इसके पिछाण का मकसद यू है, बिल्कुल। भाई जो नेता जो वादा करे उनको बयानों को रिकॉर्ड कर लो, कृष्ण सैनी का है भाई, पढ़ेंगे फिर उनका उन तक पूछो। भाई साहब कांग्रेस का राज देखा हुआ है, BJP लीड करेगी, ये कृष्ण सैनी, कृष्ण सैनी नजर रखे पैनी पैनी। अरे भाई देखो भाई बात ये आएगी वो चीजें देखो, मेरे ख्याल से मन नहीं सा लगा को थोड़ी सी दटेम पे पहुंच गया भाई। देखो मानो देसी है, देखो भाई मेरी और धर्मू भाई की थोड़ी ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष सीधी बात तो कराएंगे और जो भी चीजें आऊंगी फिल्टर होगा, जो पब्लिक का मूड होगा नी बिल्कुल वही बतावांगे, क्योंकि देखो जाती है बात हम करते लेकिन जो फैक्टर लिख के आऊंगे कुछ वो चीज भी आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बने भाई। आगे बोले सीधी बात नो बकवास, और आखिरी यही है भाई कांग्रेस के पास काफी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, मौका भी है, और कर्म भाई कांग्रेस को बैठे बिठाए कई सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल। यदि उनको वो पास कर पाए या चीज तो आप पहले बिगाड़ दे भाई, विपक्ष यदि जितना मजबूत होगा जिस बात में जहां वीक पॉइंट है बीजेपी का, अच्छा जब विपक्ष भी चुप बैठा तो फिर थोड़ा सा कर्मू भाई कुछ वीक पॉइंट के ऊपर आप बात भी कर लिया, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं और सामाजिक भाई कुछ वीक पॉइंट कुछ लीक पॉइंट, हाँ लीकेज भी है और वीकेज भी है। तो जिस तरह हाईवे की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाने में कामयाब रही, बिल्कुल इसमें कोई दो राय को नहीं, इसका रूप भी है, वही बताऊंगा मैं, हाईवे रहा हाँ भी है इसका। चंडीगढ़ जान के जो रास्ते थे वो चिकने बना दिए लेकिन गांव से गांव को जोड़ने वाली जो लोकल जो सड़कें हैं अप्रोच रोड है जो, उन पे बीजेपी काम नहीं कर पाई। बीजेपी का आपने काम नहीं गिनाया धर्मू भाई, गांव की तरफ पर शहर का विकास नहीं देखा आपने, के गलियां में जो ब्लॉक लागे हुए शहर में लागे लाए थे कहीं से, तो ये मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था। और मैंने ऐसा भी लग गया करमू भाई लागतों का लोगन थोड़ा सा व्यंग टाइप का, लेकिन गांव से गांव को जोड़ने वाले जो अप्रोच रोड है उड़ा गणा है चिक्कड़ कर दिया, और वो चिक्कड़ करने का पीछे मकसद है कि उसमें क्या ही लगा कमल फूल, हाँ फूल के भी दो मतलब, एक तो फूल एक फूल बनाना, हाँ मूर्ख बनाना, तो और एक नुकसान दीपेंद्र हुड्डा को, एक जो मैं दिमाग में सोच रहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मोटा नुकसान ये हो सकता है यदि पार्टी की गुमचोट नहीं खत्म हुई, क्योंकि दल 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 गुट गुटम गुट रणदीप गुट शैलजा गुट और दीपेंद्र गुट, नहीं ये गुमचोट की बात भी करनी जरूरी है, फूट तो बीजेपी में भी है, बीजेपी में है गुमचोट, लेकिन बीजेपी तो दो टर्म सत्ता करगी ना मुंबई राज करगी, कांग्रेस में थोड़ी सी उसी चोट है जो दिख है, और बीजेपी में कितने कितने भीतर भीतर, लेकिन ये तो सब इतना तो है यदि कांग्रेस गुमचोट चलो चोट हो जा रहे दिखो ना गुमचोट दिखो ना दिख नहीं पाए तो कांग्रेस अच्छा खेला कर सकती है। मैं थोड़े थोड़े नाकने की बात कर रहा था करमू भाई, ये जो पाएगा लोकसभा का पाएगा मामला लोकसभा का पाएगा लोकसभा में गणीय सीट पाएगा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ये जो आंकड़े हैं वो हजम नहीं हुए डाइजेस्ट नहीं हुए, क्योंकि लोकसभा के आंकड़े का आधार की तुलना यदि आप विधानसभा के इलेक्शन तक करा तो 46 सीटा पे मजबूती के साथ कांग्रेस कड़ी दिखा है, बिल्कुल लोकसभा की जो काउंटिंग करा दो, हाँ ये चुनौती है बीजेपी के लिए, बहुमत दिखा है कांग्रेस का। और एक चीज और सुनो, को बीजेपी के 5 जीते इसके चर्चे को नहीं हरियाणा में, 5 जो हर रहे हैं उसके चर्चे हैं, बोला मैं जेठ की गैया ने कुंदी ना, मैं बोले अपनी गैया ने कुंदी जेठ की गैया ने, ये बात सोचो यार जो जीतते हैं बीजेपी के 5 उनके से चर्चे करा दो उनको थोड़ा मार्जिन दे जीतते हैं भाई, और बाल बाल बचे। इसी तरह से यदि बड़े आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो जो
इंडिया गठबंधन है जैसे अपन चले तो कोई केंद्रीय राजनीति में, लेकिन जो इंडिया इंडिया गठबंधन का जो एक मुखर रूप से जो एक निखार आया है जो, तो उससे भी कितने कितने प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन के ऊपर मतलब पॉजिटिव जो है वो असर उसका फायदा कांग्रेस उठा। बिल्कुल, यानी कि सत्ता पक्ष ने अपनी कथनी करनी को ठीक नहीं कराया तो उसके नुकसान है, और कांग्रेस ने यदि अपनी गुमचोट को बाहर दिखा दिया तो उसको नुकसान है। तो भाई तमने के लगा है कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो, और एक बात और कर दियो कि तारी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से जी जी कौन है दिग्गज, कौन है बाहुबली? यू देखो ना दीपक दून ने पूछा पाट दिया, अमरेंद्र बाहुबली। दीपक दून के 50+ सीट आ रही है कांग्रेस की। अच्छा नुआ चलेंगे तो कमेंट पर। चलो भाई वही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पीछे 75 पार का नारा दिया था, इस बार कौन सा नारा आवेगा? क्योंकि वही बात है भाई कर्मू भाई, बोलने में अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी एक कमेंट तो अपना डायरेक्ट बोल दिया अपना बलविंदर आहूजा भाई, इनका तुम दोनों भाई हरियाणा के हीरे हो। चलो तुम जब भी बोलते हो सच बोलते हो, आम आदमी पार्टी हरियाणा में छावेगी। बात को लपेट लपेट के आंटी बात कह गया। चलो देखो ये आप जिक्र भूल गए थे भाई, ठीक है बिल्कुल। देखो आम आदमी पार्टी की बात करा, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करा, या जेजेपी की बात करा, तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों का घमासान जो इस बार होना है, लेकिन कर्मू भाई कुल मिलाकर जो है इस बार की जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही ज्यादा आखिरी सवाल को नहीं, स्वाद तो हरियाणा वाले भूखे रह सकते, स्वाद नहीं रह सकते। आखिरी सवाल यो है, नायब सैनी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? ये तो दर्शक बताऊंगे अभी। रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा छोड़ के उड़ते इलेक्शन लड़ा, तो नायब सैनी कैथल से इलेक्शन लड़ सके। और फिर तो हम बताओ भाई कॉमेंट सेक्शन में, अगर भाई जय मान ले नायब सैनी जो की पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी और रणदीप सुरजेवाला रण जिसका नाम में रण है, तो वह यदि हम इसमें हुए हैं तो भाई कौन किसकी कर लाओगा, कौन किसका धोबी पछाड़ लाओगा, जरूर लिख दियो। क्योंकि एक सर्वे सुरजेवाला ने करवाया था, आदित्य सुरजेवाला उनका बेटा है जो सुपुत्र, तो उसका नाम पर आर बने थी उसकी, तो इसलिए रणदीप को खुद रण में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। और भाई एक बात है कर्मू भाई, जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं उन्हें यह तो बात कह दे, अभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज अपने अपने क्षेत्र के जो बाहुबली हैं, हाँ। तो हमने क्या लग गया है, मैंने कई जगह तो उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर कांग्रेस तय टिकटार्थियों की अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी तादाद है। जींद में मेरे कितने ट्रक भर गया, पूरा 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 सेंचुरी जानने हो रही है, सेंचुरी जानने हो रही है, मतलब गांव के लिए तीन तीन विधायक है। बिल्कुल। तो भाई मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई, हमने क्या लग गया तारी विधानसभा क्षेत्र से सबसे काबिल, काबिल की बात करें हम, सबसे काबिल उम्मीदवार या काबिल दावेदार कौन लग गए हमने, वो जरूर कमेंट और एक कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना, क्योंकि दो पार्टियां टक्कर रहोगी मेन तो बीजेपी कांग्रेस में, आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी कमेंट करके जरूर बताइयो, हम उसका निचोड़ काट के बतावा, न्यू पंजा लड़ावांगे, न्यू भिड़ेंगे भाई पार्टी, और वही बात पंजा लड़ावांगे आप भाई साहब धर्मो भाई, ओहो तरक्के डायलॉग भाई साहब, मार खाओ गंजा का लेकिन प्रदेश के विकास के लिए मतदान जरूर करें। बिल्कुल। और प्रदेश के हित में करें, अपने अपने क्षेत्र का जो तारे क्षेत्र का विकास करवा सके, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो इनेलो का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे किसी भी पार्टी का, योग्य उम्मीदवार को आप अपना वोट जरूर गिरियो। मतदान मतलब मती का दान, बुद्धि का। चलो भाई ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय भारत।